गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो आज दिन है बुधवार और सुबह के 8 बज चुके हैं। अब मैंने मैक्रोनी के लिए पानी बॉईल होने के लिए रख रखा है, तो मैं इसमें मैक्रोनी डालूंगी। और आज सबको जल्दी भूख लग रही है, तो बोल रहे हैं कुछ जल्दी खाना है, नहीं तो मैं 10 बजे तक बनाती हूँ, 9-10 बजे तक नाश्ता जो भी बनाती हूँ। और थोड़ी तबीयत भी मेरी ख़राब थी, तो बाकी का काम अभी सारा पड़ा है मेरे। थोड़े से बर्तन वगैरह भी पड़े हैं, रात मैंने सारे बर्तन साफ नहीं किए थे, आधे रह गए थे, उनको भी करूँगी। ये मैक्रोनी का डिब्बा है, मैंने निकाल लिया है। गाइस, मैंने गैस पे अपनी कढ़ाई रख दी है, चिमनी को कर देती हूँ बंद। बंद करना पड़ेगा चिमनी में, थोड़ी कम कर दी, बंद नहीं कर रहे। तो मैंने गैस पे कढ़ाई रख दी है, अब मैं मैक्रोनी बना रही हूँ अपनी। और अभी मेरे थोड़े से बर्तन भी पड़े हुए हैं, ये भी धोने हैं, बाकी सारा काम करना है मुझे। और ये मैक्रोनी मेरी बॉयल हो चुकी है अच्छे से, बिल्कुल खिली खिली, देखो गाइस। ये हमने ऑयल डाल दिया है इसमें, मस्टर्ड ऑयल है ये, सरसों का तेल और बकवास कम कर। और ये इसमें मैंने प्याज डाल दी थी, टमाटर प्यूरी डाल दिया है, इन दोनों को भून दिया है। क्या है, सो के उठाऊं मैं अभी? अभी तो फिर वो फिर क्या नहा ले? अभी सुबह उठते ही 8:30 बजे। तो नहाने में क्या जा रहा है? तो सुबह सुबह कौन नहा? दोपहर को क्यों नहाएगी, अभी नहाएगी, उससे पहले मैक्रोनी मिलेगी नहीं। तो ब्रेकफास्ट मैं तो ऐसे खा लूंगा, थप्पड़ लगेगा ना। तो गाइस, ये लड़की ना नहाने में बहुत ज्यादा लेजी है, अब वैसे सारे काम कर देती है, 11, 12, 1 बजे नहाती है ये, पूरा फुल कभी-कभी 6 बजे। ये ना स्कूल ना जाने का पूरा फायदा उठाती है, और स्कूल जाती तो तब तो 6 बजे नहा लेती है, 6:30 बजे नहा लेती है। अब उठेगी भी तो 9 से 10 बजे के बीच में। आज जल्दी उठ गया, आज जल्दी उठी, तो इसने हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर दिया। हम इनका एहसान किस तरह से उतारे? कुछ भी, कुछ भी का क्या मतलब है? जल्दी उठ गया तो बहुत बड़ा एहसान कर दिया मेरे ऊपर, 10 बजे से बाहर निकाल रहे। इसके साथ तो बहस मेरी सारा दिन चलती रहेगी, तो अब अपनी मैक्रोनी देख लेते हैं हम। इतना फ्रीज में क्या कर रही है? हाँ, फ्रीजर वाली निकाल रहा हूँ, इसमें जमी नहीं, पापा ने सारी निकाल दी। ये अरे ये मेरे को, चल यहाँ से, पागलपंती दिखाती रहती है सारा दिन। देख, खा गई खा गई खा गई बराबर। अनारस आई चालू कर दे, डालो 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 डालो, खाली मिर्ची पाउडर, मिर्ची पाउडर, सॉल्ट पाउडर, धनिया पाउडर, धनिया पाउडर, धनिया पाउडर क्यों? टमाटो केचप, डूड इट्स केचप। ओम बट्ट स्वाहा, बट्ट स्वाहा। चले जब चिपक चिपक, मटक मटक, लटक मटक, मजे नहीं मिला। गाइस, ये मैक्रोनी बन चुकी है, आ जाइएगा खा लीजिएगा, यम्मी सी मैक्रोनी, टेस्टी सी। काफी गर्मी हो रही है, अब मैं अपने
दो जोड़ी कपड़े हैं वो हाथ से धोने वाले हैं, उन्हें मैं धोऊंगी, फिर उसके बाद मशीन में कपड़े लगाने, पेड़ों में पानी घेरना है। और आज बहुत लेट हो गया मेरा काम। कोई नहीं, हो जाएगा। बट कैमरामैन की इस टाइम सख्त ज़रूरत है, पर कैमरामैन आया नहीं है तो मुझे खुद ही करना पड़ रहा है एडजस्टमेंट, जैसे भी कर रही हूँ मैं। देखो या गाइस कैसे कैसे कैमरा सेट कर रही हूँ। मेरा ही उल्लू बन गया। फाइनली मेरे कपड़े धुल चुके हैं, फिर मैंने धो दिए अपने कपड़े। और एक तो हवा, ऊपर से इतनी तेज धूप है ना, बहुत ज़्यादा ही। हमारी छत तो उल्टा है, 1:30 बजे धूप चली जाती है, उसके बाद पूरी छत पे छाया ही छाया। और कूलर लगा के आराम से सो। और ये पौधों में भी पानी डाल दिया है मैंने, क्योंकि सूख रहे हैं सारे। ये एलोवेरा तो फैला हुआ है, पर एलोवेरा का इस्तेमाल नहीं कर रहे अभी। एलोवेरा जूस बनाओ। कितनी पढ़ाई कर रही है? डिजाइन बना रही है। डिजाइन बना रही है, पढ़ाई कर रही है? डिजाइन बन रहे हैं इसके, पढ़ाई कर रही है? सच्ची सच्ची बताओ आप लोग। अरे भाई साहब, मैं डिजाइन बना रही हूं। ये रील्स के लिए इसने लिस्ट बनाई है, कितनी वीडियो है। रील्स के लिए लिस्ट बना रही है लड़की। मैं पार्लर गई थी, 1 महीने बाद मेरी थ्रेडिंग बनी है, नहीं तो बहुत गंदी लग रही थी ये। 1 महीने बाद बनवा के आई हूँ मैं, क्योंकि फाइनली मैं ठीक होगी ना, इस वजह से बनवा के। ओ भाई साहब, पेड़े वाटो, पेड़े पेड़े वाटो, मम्मी ठीक। आज मेरा चेहरा भी ग्लो कर रहा है, और भी ज्यादा कर रहा है। नहीं ये देखो, बेडशीट के क्या हाल कर रहे हैं। लंच में हमने दाल खाई थी, रोटी खाई थी, ककड़ी खाई थी, थप्पड़ खाने के, टमाटर खाए थे, प्याज खाई थी, हरी मिर्च खाई थी, हल्दी खाई थी, लाल मिर्च खाई थी, वो भी सब। गोबर ना खाया? गोबर तो खाया होगा, वो निकल खाया होगा गोबर जरूर। नहीं नहीं नहीं, वो खाने की चीज नहीं। ये खिटपिट तो पूरे दिन चलती रहेगी। हम जा रहे हैं अपने किचन में, मैं वो मुझे चाय पीनी नहीं है, तो मैं कुछ मीठा सा बना के आती हूँ। करो कोशिश, तुम कर सकती हो। रेनू देवेंद्र सिंह, तुम कर सकती हो। तेरा मुंह, अपना मुंह निकाल सीजन में और जम के बाहर आ जा। एक बर्फ की कटोरी ने मम्मी का पूरा हाल कर रखा है, निकाल ही नहीं रही बेचारी। बस निकालो, बहुत देर लगी। कल कैसा जम सके, सुबह तक तो नहीं जम रहा था इतना। दोपहर दोपहर में इतनी बर्फ होगी, चिल हो गई, चिल। ये भगवान, लेट्स चिल रोड। अरे माँ, माँ क्या है? तो कोशिश जारी है, निकलेगा तो निकलेगा, वरना फ्रिज ही तोड़ दूं मैं। फिर पापा आएंगे ना, बोलेंगे क्या हुआ फ्रिज का, एक बर्फ की कटोरी ने फ्रिज का सत्यानाश कर दिया। अरे ये कैसे जम सके, कुछ बना के पीना है हमें। तो गाइस ये बर्फ निकल ही गई है, और ये बर्फ मैंने तोड़ के इसमें डाल दी है अपने मिक्सी जार में। और ये ज़्यादा थी बर्फ, आधी डाली है, और मैंने 5 से 6 चम्मच इसमें चीनी डाली है, और ये मैं दूध डाल दूंगी इसमें। इस मौसम में मक्खियाँ भी इधर से उधर आती रहती हैं, कोई भी चीज़ मीठी दिखी तो मक्खियाँ आ गई। और ये मैंने रूअबजा डाल दिया है, तो रूअबजा से इसका फ्लेवर और भी अच्छा आएगा। तो हम ये रूअबजा ही बनाने जा रहे हैं। आप रूअबजा की लस्सी बोल दो, कुछ भी बोल दो इसे। तो ये जार मैंने बंद कर लिया है, अभी इसको बनाते हैं जल्दी से हम। यहाँ क्या कर रही है? नाच की रही चौधरी, खुश खबरी है क्या? हाँ। मैन इतने बड़े हम भगोने में भी है। ये हमने रूअबजा एक भगोने में डाल दिया है, बनाने के बाद में इसमें डाले हमने चिया सीड्स डाले हैं भीगे हुए, जो उसमें फलूदा में डलते हैं, आप लोग जानते होंगे इसको। बोलते हैं मगध के बीज, बोलते हैं मगध के बीज बोलते हैं इन्हें।
नहीं मगध के नहीं है, मैं ही बोल गई, पर इंग्लिश में चार शीट से बोलते हैं। पहले पता करके आओ। बोलते हैं कुछ, मैं हिंदी का वर्ड बोल गई यार इनका। और इसमें ये मैंने तरबूज डाला है कट करके, इससे इसका फ्लेवर ना और भी अच्छा आता है, बिल्कुल लजीज वाला आता है। हमारा अंशु बोलता है अजीजों में अजीज लजीज। और ये मैंने इस गिलास में नीचे चिया सीड्स डाले, सॉरी। उसके बाद में ये मैंने थोड़ा सा रोब डाला है जो हम करने की कोशिश कर रहे थे, बट वो हुआ नहीं, रोब जाए खत्म हो गया। ये हमारे चार नवाब का आइडिया था, मम्मी ऐसे से करें गिलास में, अच्छा लगेगा। हाँ ये देखिए भाई, बड़ा टेस्टी लग रहा था ये पीने में ना, बहुत यम्मी लग रहा था। ये देखिए नीचे चिया सीड्स भी चमक रहे हैं, ये हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं और साथ ही साथ वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं ये, वजन कम कर। और ये बन चुका है हमारा, क्या है ये, तरबूज का सेक। तरबूज सेक बोल लो, रूबजा बोल लो, कुछ भी बोल लो, जो आपका मन करे वो बोल दो। ऐसे काट के डालते हैं ना, जब ये मुंह में खाने में आते हैं ना, तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है ये। गिलास खाली हो गया, हो गया, अच्छी बात है, मैं तो अपना पी लूँ। आप लोगों ने मुझको पहले दे दिया और कुछ चिड़ा चिड़ा के पीने की कोशिश, वही है यम्मी है। अब तो पी लिया, अब क्या यम्मी है, ये मम्मी है, ये यम्मी। हाँ हाँ गर्मियों में ठंडा मिल जाए तो मजा आ जाए। हाँ हाँ बिल्कुल बेडशीट के कलर का है।